हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ गर्मियों की स्पेशल कुल्फी रेसिपी। बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आज इसे बनाएंगे। घर की आसान चीज़ों से हम बहुत ही कम सामान में हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाना, कुल्फी बनाना। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। आप चाहे तो 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं मेंबर के अकॉर्डिंग। दूध है फुल फैट क्रीम होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे दूध में भी कितनी मलाई आपको दिख रही है। अब मैंने एक लोहे का पैन लिया है, उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया। ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारा दूध नीचे लगे नहीं। दूध को मैंने पैन में डाल दिया, अब इसको उबाल आने तक वेट करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, इसको हम कंटिन्यूस चलाते हुए इसको गर्म करेंगे। इतना उबालना है दूध को जिस इसकी क्वांटिटी है जो आधी ना हो जाए। और साइड में से मलाई भी हमको इसको रब करते रहना है, मलाई नहीं जमने देना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, दूध आधा हो जाए उतना हमको बॉईल करना है। अभी तक आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, इसको हमने कंटिन्यू चलाया है। साइड में मलाई भी हमने नहीं लगने दी है इसको बिल्कुल भी। अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 कप मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने अमूल का मिल्क पाउडर लिया है। इस मिल्क पाउडर में दूध डाल के इसकी स्लरी बना दूंगी। एक बार मैं इसको पहले ही डाल रही हूँ, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर, बट ध्यान रहे लम्स ना रहे, इसलिए मैं इसमें पहले ही दूध डाल के इसको एकदम गोल बना दूंगी। अब मैंने इसका गोल बना दिया है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर हमारे मावे का काम करेगा, इससे जो टेस्ट आएगा कुल्फी का बहुत ही टेस्टी आएगा। इसको मैं अभी तक चलाते रहूंगी, दूध उबल रहा है अभी भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच लिए हैं, 2 लीटर दूध में 2 चम्मच लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के इसको स्लरी बनाऊंगी। ये मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना दी है, अब इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे लग जाता है। सब कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जिससे इस कुल्फी का टेस्ट एकदम मार्केट स्टाइल आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये है गेहूं का आटा। जी हाँ, ये 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है मैंने, बहुत ही टेस्टी बनती है इससे हमारी रेसिपी। ये जो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं उसमें गेहूं का आटा बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसमें गेहूं के आटे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, आप यकीन मानिए। इसको भी मैं दूध में घोल के फिर डालूँगी। ये देख सकते हैं मैंने घोल भी एकदम तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूँगी, एक बार में नहीं डालना है इसको, और चलाते रहना है, क्योंकि अभी जो एक बार आटा है वो नीचे भी चिपकेगा, इससे क्या हमारे थिक भी हो जाएगी रबड़ी। और कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मैंने एक बार स्लो ही रखा है, कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कराया। आपके पास यदि हैंड मिक्सर है तो आप उससे को भी यूज़ में ले सकते हैं, जिससे कोई लम्स ना रहे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप चीनी। ये चाय वाला कप ही लिया है मैंने। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है कुल्फी में तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप चीनी ली है। अब इसको अच्छे से हिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमने आटा डाला है वो भी पहले में चिपकने लग जाता है, वो हमको बिल्कुल भी नहीं चिपकाना है, नहीं तो जो कुल्फी का टेस्ट है बिगड़ जाएगा, इसलिए हमको इसको कंटिन्यू चलाना है अभी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये 1/2 टीस्पून जितना है। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कीजिए। साथ में मैं डाल रही हूँ केसर, जो मैंने दूध में थोड़ी देर पहले भिगो के रखी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप चाहे तो इसमें मेवे भी डाल सकते हैं, मैं बच्चों को पसंद नहीं इसलिए मैं मेवे वगैरह नहीं डाल रही हूँ, प्लेन ही बना रही हूँ। आप इसमें चीकू के फ्लेवर देना चाहते हैं तो चीकू को पीस कर भी डाल सकते हैं। कोई भी आप फ्लेवर देना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं।
काजू बादाम जो भी आप फ्लेवर को आपको पसंद हो बेस ये रहेगा, इसमें आप ऐड करके उसको ग्राइंड करके ऐड करके आप इसमें यूज में ले सकते हैं। ये हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, इसका कुल्फी का बहुत ही गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हो। इसका हमको कैसे पता चलेगा कितना गाढ़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी नीचे लगने नहीं देना है क्योंकि आटा मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला है वो नीचे चिपक जाता है, इसलिए हमको चलाते हुए इसको बनाना है। ये जो कोटिंग देख लिया आप मेरे इस चम्मच पे, वो कोटिंग इस तरीके से हमको कोटिंग दिखनी चाहिए। कोई लम्स है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप टेंशन ना करें क्योंकि हम इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड ही करने वाले हैं। यदि थोड़े बहुत लम्स रह जाए तो, लम्स रहे तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम ग्राइंड करेंगे तो स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इतनी कोटिंग होनी चाहिए उतना हमको पकाना है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको पूरा ठंडा होने देना है। एक बार ये मैंने पैन से निकाल के एक पतीले में ले लिया है क्योंकि वो आयरन का था, उसमें ज़्यादा देर तक बैटर को रखना अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने इसको एक पैन में दूसरे पैन में ले लिया। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ केवड़ा वाटर, जस्ट 3 से 4 बूंद डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। अभी हमारे थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं इसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको, आपके पास ब्लेंडर नहीं है, पूरा ठंडा करके इसको मिक्सी जार में डालिए, फिर इसको ग्राइंड कीजिए अच्छे से और स्मूथ बैटर बनाइए। ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद इसमें जो एयर बनेगी जिससे हमारी जो कुल्फी है बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, एयर बन गई है इसमें और जो रबड़ी भी देख सकते हैं इसमें कोटिंग कितनी अच्छे से हो रही है, मतलब इस तरीके से हमको पकाना है। ये हमने इसको ब्लेंड कर दिया है, अब इसको मैं ऐसे की ऐसे फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करूंगी, उसके बाद में एक बार फिर ग्राइंड करेंगे, उसके बाद में हम मोल्ड में डाल के इसको आइसक्रीम जमाएंगे। तो अभी मैं इसको लिड लगा के, ढक्कन लगा के 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में स्टोर करूंगी। लीजिए मैंने इसको 4 से 5
डीमोल्ड कर सकते हैं। एल्युमिनियम कॉइन निकालेंगे हम। आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया है, बहुत ही अच्छे से हमारी आइसक्रीम जमी है फ्रीजर में और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बने हैं। इसको हम सर्व करते हैं डीमोल्ड करके। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डीमोल्ड करके सर्व कर दिया है। देखिए कितनी क्रीमी और सुपर टेस्टी आइसक्रीम बनी है हमारी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम तो आप मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं, आप स्किप कर सकते हैं उसकी जगह, बट आप ज़रूर गेहूं का आटा ज़रूर डालिए आइसक्रीम में, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी आपकी आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।